ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है बेटा। गुड मॉर्निंग आप सभी को। जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन के चलते आपके अपने स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस का प्रबंध बच्चों के लिए किया है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास 8 से पहली पोएम द एंट एंड द क्रिकेट आपको करवाई जाएगी। इसे कौन सा क्वेश्चन आंसर और स्टेंजा आपको पहले ही करवा दिए गए कॉपी में। आज आपको इस पोएम को मैं समझा रहा हूँ। पहले स्टेंजा को आप देखिए। ए सिली यंग क्रिकेट। सिली मीन्स होता बेटा मूर्ख, आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था जब मीनिंग आपको भेजे थे। यंग क्रिकेट, क्रिकेट मीन्स झिंगुर, एक छोटा सा मूर्ख झिंगुर। अकस्टम्ड टू सिंग, जो गीत गाने का आदि था यानी कि उसको आदत पड़ गई थी। थ्रू द वारम, ग्रीष्म ऋतु में। सनी मंथ्स ऑफ गे समर, सनी मंथ्स ऑफ गे समर का मतलब होता है जो बसंत ऋतु के गर्म दिन होते हैं प्रशंसित करने वाले, उन दिनों में इसने खूब गीत गाए। एंड स्प्रिंग, और बसंत के दिनों में। बिगेन टू कंप्लेन, उसने शिकायत करनी शुरू कर दिया। आरम्भ, व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसने पाया कि एट होम घर पर हिज कप वार्ड वाज एम्प्टी, जो उसकी अलमारी थी वो खाली मिली, खाली थी। एंड विंटर वाज कम, और सर्दी आ रही थी। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड, यहाँ पे कवि कहने जाता है कि जब उसने अलमारी में जाके देखा अपनी में, उसमें रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। क्रम्ब का मतलब होता है रोटी का टुकड़ा। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, एज यू नो सर्दी आने वाली थी उस समय, पूरी जमीन पर बर्फ ही बर्फ गिरी हुई थी, या यूं कहिए कि सर्दी आ चुकी थी। पूरी गर्मी तो उसने गीत गाने में गाने बिता दी है, पूरी गर्मी को बसंत ऋतु को गीत गाता रहा। उसने भविष्य के लिए कुछ काम नहीं किया या कुछ स्टोर नहीं किया। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, यानी कि कवि ये कहना चाहता है पूरी जमीन पर बर्फ ही बर्फ गिरी हुई थी, और उस समय उसकी अलमारी में एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं उसको मिला। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, ना ही उसे किसी पौधे पर एक फूल दिखाई दिया या देख सकता था। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, और ना ही किसी पेड़ पर उसको कोई पत्ता दिखाई दिया। तो स्टूडेंट्स, आज आपको जो ये पहला स्टेंजा आपको मैंने करवा दिया है, या आपको रिवाइज करना है, बार बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आराम से आप फिर इसकी हिंदी कर सकते हैं। हिंदी समझवाने के बाद जो आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं वो आप बिल्कुल आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। यदि फिर भी किसी बच्चे का कोई प्रश्न रहता है जो मैंने काम भेजा था, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकता है। मैं दोबारा से वो क्वेश्चन उस बच्चे को स्पेशली सेंड कर देता हूँ। और लगातार आपको जो भी काम किसी भी सब्जेक्ट टीचर के माध्यम से भेजा जा रहा है, आपको प्रतिदिन वह काम करना है। और करने के साथ साथ राइटिंग का काम तो करना ही है, आपको रिवाइज करने का भी टाइम निकालना है। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।